फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंदी भी कहते हैं, वो हाईली न्यूट्रिशियस है, जिसमें मिनरल्स और विटामिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। खास करके विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, और ये साथ ही साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावना और चटकारे व्यंजन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ उसी शक्करकंदी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम शक्करकंदी ले ली है, किशमिश, इलायची, बादाम, यहाँ पर थोड़ा सा घी भी चाहिए हमें, 5 चम्मच शक्कर और काजू ले लिया है। यहाँ पर शक्करकंद को मैंने पहले से ही धो के रख लिया था और अब इसका हम छिलका निकाल देंगे। फ्रेंड्स, आप अगर छिलका नहीं निकालेंगे तब भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं कुछ शक्करकंदी का छिलका उतार रही हूँ, कुछ शक्करकंदी मैं बिना छिलका निकाले ही यूज़ करूँगी। अगर आपको बहुत ही ताज़ा ताज़ा शक्करकंदी मिल जाती है तो आप इसका छिलका बिल्कुल ना उतारिएगा, बस इसे अच्छे से धो लीजिएगा। और अब इसे मैं पानी में डाल दूँगी, क्योंकि अगर आप इसे पानी में नहीं डालेंगे तो इसमें ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं और ये बहुत ही स्टिकी भी होता है, तो आप इसे पानी में ज़रूर डालिएगा। वो फ्रेंड्स, ये जो शक्करकंदी की जो स्वीट बना रही हूँ मैं, आप इसे फास्ट में भी खा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये हेवी मील की तरह काम करता है और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो आप इसे कोई से भी व्रत में खा सकते हैं और आप नॉर्मल भी इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी भी है और साथ ही बहुत ही हेल्दी है, खास करके बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी डिश है ये। तो मैंने शक्करकंदी को बारीक टुकड़ों में काट लिया है, एकदम गोल टुकड़े किए मैंने। और अब एक प्रेशर कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है और जैसे ये गर्म हो जाएगा इसमें मैं 2 चम्मच घी ऐड कर दूंगी। फ्रेंड, शक्करकंदी को आप आपके चॉइस के हिसाब से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं इलायची डाल दूंगी। यहाँ पर आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं, मुझे साबुत इलायची ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए इसे ऐड किया है। और अब इसके बाद इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स आपकी चॉइस के हिसाब से और भी ले सकते हैं। और अब इसके बाद इसमें मैं ये कटे हुए शक्करकंद को डाल देंगे हम, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। और अब इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पानी नहीं डालना है ये, क्योंकि शक्कर की जो चाशनी बनती है तो वो ऑलरेडी पानी छोड़ती है शक्कर, तो यहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो आप इसमें 2 या 3 चम्मच दूध डाल सकते हैं, दूध से भी अच्छा लगेगा, पर इसमें पानी बिल्कुल ना डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने शक्कर डाल दी है, शक्कर थोड़ी ज़्यादा ही लीजिएगा क्योंकि ये मीठा बहुत अच्छा लगता है। कुकर को हम बंद कर देंगे और इसकी हमें 2 सीटी लेनी है, बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लेनी है, जल्दी ही पक जाता है ये। और जैसे ही कुकर ठंडा हो जाएगा हम इसे खोल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, और आपने को जैसे मैंने पहले ही कहा कि शक्कर जो है वो पानी छोड़ती है, तो ये सॉफ्ट भी बहुत अच्छे से हो चुके हैं। तो ये हमारी शक्करकंदी की मिठाई बनकर तैयार है। आप इसे फास्ट में या नॉर्मल भी इसे खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी डिश है। और अगर कभी मेहमान आ जाते हैं और आपको जल्दी से कुछ मीठा बनाना है तो इससे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।